अपने तल्ख टिप्पणी को लेकर के चर्चा में बने रहने वाले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे तौर पर निशाना साधने वाले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। दरअसल इस बार सुधाकर सिंह ने शराबबंदी को लेकर के नीतीश पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। जिस प्रकार से सरकार की इस मामले में गंभीरता दिखनी चाहिए थी वो कहीं नहीं दिख रही है। यह हालत पूरे बिहार की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर के एक व्यापक समीक्षा की जरूरत है और सिटिंग जजों की कमेटी बना करके न्यायपूर्वक निर्णय लेने की जरूरत है, नहीं तो यह सब दिखावा है। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, सुनिए। सर, शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए 60 लाख का ड्रोन खरीदा गया, लेकिन अब खबरें आ रही है कि 60 लाख का जो ड्रोन था वो चोरी हो गया। लगता नहीं है कि सरकार ने, बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार के स्तर पे जो गंभीरता है शराबबंदी को लेकर के, वह गंभीरता प्रशासन में कहीं दिखाई नहीं दे पा देता है। पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। आप ड्रोन गायब होने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो शराब ही चलाता है दूसरे राज्यों से और लगातार शराब बिक रहा है और लोगों की मौत भी हो रही है जहरीली शराबों से। तो ये ड्रोन और इस तरह की जितने भी सर्विलेंस हैं इसका कोई औचित्य नहीं है, इसकी एक व्यापक समीक्षा की ज़रूरत है शराबबंदी को लेकर, और सिटिंग जजों की कमेटी बना करके न्यायपूर्वक निर्णय लेने की ज़रूरत है बिहार के लिए, अन्यथा यह सब दिखावा है। ड्रोन जैसे इक्विपमेंट्स शराबबंदी में कभी कारगर नहीं होंगे। ऐसे मशीनों की उपयोग लॉ ऑर्डर के लिए करना चाहिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह की मशीनों की ज़रूरत है। बाकी शराबबंदी सामाजिक बुराई है और उसको हम उस तरीके से उसको नियंत्रित करने का प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे पे हैं, तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में लगे हैं, लगता है क्योंकि ये आज की राजनीति का मौजू सवाल यह है कि विपक्ष कब एकजुट नहीं था। विपक्ष तो पहले ही से कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट रहा है। नए दल जो एनडीए से टूट कर आए हुए हों या वो दल जो तीसरे फ्रंट बनाने की जुगत में थे, बिहार की और देश की जो राजनीतिक वर्तमान राजनीतिक हालत है उसमें ये कोई औचित्य नहीं है। सभी लोग एकजुट हैं और नीतीश कुमार जी से मैं यही कहूँगा कि वो विपक्ष की एकजुटता में सीधे सीधे हाँ कहना चाहिए, बिना शर्तों पे कहना चाहिए। मुद्दों को तय करने के लिए ज़रूर देश भर में बात होनी चाहिए कि हम किन मुद्दों के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। बाकी बिना शर्त नीतीश कुमार जी जैसे जो सहयोगी दल हैं देश भर में उनको कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मीट भात का भोज कर रहे हैं, बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि मीट भात के साथ साथ शराब भी परोसे गए हैं, कई चर्चाएं लगातार सामने आ रही है, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी के पास सच में कोई मुद्दा है नहीं आज के दिन में। राजनीतिक दल राजनीतिक कार्यक्रम भी करते हैं, राजनीतिक दल समय समय पर अपने सामाजिक सहभोज का आयोजन भी करते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। ईर्ष्या भारतीय जनता पार्टी को जरूर होती है हर जगह पे कि महागठबंधन के कार्यक्रमों में भारी तादाद में लोग जुटते हैं। इस ईर्ष्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग बयान दे रहे हैं और आज उनके पास कोई मुद्दा तो है भी नहीं बिहार में। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दा है बिहार में वोट लड़ने का, राजनीतिक दल के तौर पे काम करने का? बिहार में अगर कोई समस्या है तो उसके वो सहभागी रहे हैं। ये बाबा आए थे लेकिन बीजेपी काफी उत्साहित कर रही है, बीजेपी उत्साहित में कर रही है कि आने वाले समय में भारत हिंदू राष्ट्र। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है, इसीलिए वो अब भारत को बांटने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए षड्यंत्र में शामिल लोग हैं और इस कई तरह के प्रकल्प चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को और राष्ट्र को विभाजित करने के लिए। यह विभाजित मानसिकता से ही यह दल का गठन हुआ था और उसके जितने भी आइडियोलॉजी हैं वह समाज को तोड़ता है, कहीं बड़ा जोड़ता नहीं।